टेंथ हाउस आपका चार्ट में इट इज द लक्ष्मी स्थानम, इट इज द हाउस ऑफ यू द लक्ष्मी। फोर्थ हाउस इज द हृदय, दैट मीन्स इट इज द विष्णु स्थानम। एंड सेवेंथ, फ्रॉम फोर्थ सेवेंथ इज द लक्ष्मी स्थानम। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे नवांश के ऊपर। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था, नवांश का लगना कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग बैड टाइम करेक्शन। मान लीजिए आपको किसी का अगर बैड टाइम पता नहीं है, पता नहीं है का मतलब यह है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट देयर बैड टाइम, देन यू कैन यूज द नवांश लगना एंड इट्स ट्राइंग टू रेक्टिफाई द बैड टाइम। तो जो लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट आया हुआ था, जैसे कि हमारा नवांश लग्ना में कुछ प्लैनेट्स नहीं है, तो आप देखिए फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट है या नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट है। अगर आपका कोई नाइन्थ हाउस में प्लैनेट है तो उसका सिग्निफिकेंस बाय द ग्रेस ऑफ योर गुरु यू कैन अटेन दो सिग्निफिकेंस। अगर फिफ्थ हाउस में है देन यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दो सिग्निफिकेंस। अगर मान लीजिए आपका वन फिफ्थ नाइन्थ हाउस ब्लैंक है, वहां पर कोई नहीं है, देन यू कैन सी दैट देर इज ए साइन दैट कैन ऑल्सो हैव इन्फ्लुएंस, सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज। आप वो साइन को भी यूज कर सकते हैं। तब देखिए, दीज आर ऑल दोज थिंग यू नीड टू कीप विथ यू व्हाइल मेकिंग एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन। ये सब चीज को आप यूज कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू कंसल्ट समवन देन यू नीड टू हैव समथिंग विथ यू सो दैट यू कैन क्रॉस चेक वेदर हिज टाइमिंग इज राइट और नॉट, वेदर द पर्सन हैव द स्किल्स व्हाट यू आर थिंकिंग। एक बार आप चार्ट को रीड करने की कोशिश कर रहे हो, उसका मतलब है यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन एज ए होल। अगर आप उनका लाइफ का पैटर्न के बारे में पता करना है देन यू डेफिनेटली हैव सर्टेन स्टेप्स। एंड जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नवांश लगना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड द पर्सन, बिकॉज इट शोज द नॉलेज द पर्सन इज हैविंग। जो प्लैनेट है उसका नॉलेज उसके पास रहेगा। एंड आप देखिए, इट विल इन्फ्लुएंस योर प्रेडिक्शंस, इट विल इन्फ्लुएंस द पैटर्न यू आर थिंकिंग। आप देखिए, नवांश में आप बहुत सारा ऐसा टेक्निक है जिसको यूज करके यू कैन मेक ब्यूटीफुल प्रेडिक्शंस। जैसे कि नवांश का टेंथ हाउस इज द लक्ष्मी स्थान, नवांश का फोर्थ हाउस इट इज द हृदय, मेलिफिक्स इन डी नाइन फोर्थ हाउस द पर्सन डेफिनेटली विल नॉट फॉलो द धर्मा, वो हमेशा भगवान विष्णु की बुराई करेगा। एंड देखिए, टेंथ हाउस इज लक्ष्मी स्थान, अगर वहां पर मेलिफिक्स होंगे देन द पर्सन विल स्पेंड इन रॉन्ग मैनर। देर आर सो सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू नवांश डिफरेंट हाउसेस, एंड टूडे वी विल फोकस ऑन द सेवेंथ हाउस ऑफ नवांश व्हिच रिप्रेजेंट्स योर स्पाउस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई विल ब्रिंग सो मेनी न्यू वीडियोज सो दैट यू विल गेट दोज नोटिफिकेशंस। चलिए देखते हैं नवांश का सेवेंथ हाउस। देखिए, यहां पर मैं आपको कारकमसा, जैसे कि आत्माकारक का पोजीशन इन डी नाइन, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा, और उसका भी सेवेंथ हाउस में अगर कोई प्लैनेट है उसका रिजल्ट क्या है, बीपीएचएस में कौन सा चीज मेंशन है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं सेवेंथ हाउस इन डी नाइन। ठीक है, देखिए, सेवेंथ हाउस ऑफ योर नवांश चार्ट
इज 11th फ्रॉम द 9th हाउस व्हिच शोज द धर्म फल, व्हिच शोज द गेन ऑफ योर धर्म। आप देखिए नवांश का जो 7th हाउस है वो 9th हाउस से 11th हाउस है, तो वो रिप्रेजेंट करता है इट इज गेन ऑफ योर धर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज धर्म फल भाव। ठीक है, देखिए फिफ्थ हाउस है, ये थर्ड हाउस है व्हिच शोज द ग्रोथ ऑफ योर फिफ्थ हाउस। मान लीजिए फिफ्थ हाउस शोज योर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस बिकॉज इट इज ट्राइंग टू योर D9 लगना। सो द थर्ड फ्रॉम द फिफ्थ हाउस शोज इज ग्रोथ, आप वो ग्रोथ वो हाउस से देख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए इट इज ट्राइंग टू द थर्ड हाउस, नवांश का थर्ड हाउस शोज योर स्किल्स एंड इट इज ट्राइंग टू द थर्ड हाउस, दैट मीन्स द प्लैनेट प्रेजेंट इन द 7th हाउस, जो भी प्लैनेट आपका D9 का 7th हाउस में होगा दैट विल इन्फ्लुएंस द थर्ड हाउस, दैट विल इन्फ्लुएंस योर स्किल्स। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट इज ए केंद्रा हाउसेस। एंड देखिए फोर्थ से जो उपज फोर्थ से जो भावत भाव हम देखेंगे देन फोर्थ टू फोर्थ इज 7 एंड 10th टू 10th इज 7, सो इट इज द भावत भावम ऑफ टू केंद्रा हाउसेस। सो आप देखिए नवांश का 7th हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट योर स्पाउस, बिकॉज स्पाउस इज नथिंग बट आपका जो स्पाउस है ही और सी इज नथिंग बट योर धर्म फल। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, जो D9 का 7th हाउस है उसका साइन लॉर्ड को देखिए, मेन है वहां पर कोई अगर प्लैनेट प्रेजेंट हो उसको नोट कीजिए एंड आप D1 में चले जाइए, D1 का जो लग्न का साइन लॉर्ड है उसको देखिए या लग्न में कोई प्लैनेट प्रेजेंट है उसको देखिए। आप हमेशा देखिए दे नीड नॉट बी एनमीज, शत्रु नहीं होना चाहिए, अगर हो रहे हैं देन डेफिनेटली देर विल बी प्रॉब्लम इन देयर मैरिज लाइफ, ये वन ऑफ द मेन थिंग टू बी चेक्ड इन द होरोस्कोप, क्योंकि अगर उनका एनिमल रिलेशनशिप आ जाता है देन देर विल बी इश्यूज इन देयर फैमिली लाइफ। जैसे कि मान लीजिए D9 का नवांश का जो 7th हाउस में केतु प्रेजेंट है एंड आप D1 का लग्न में राहु प्रेजेंट है, देन क्या होगा ना, राहु केतु बोथ आर एनिमल टू इच अदर, तो वो जो स्पाउस आएंगी दे सी में बी इल हेल्थ और कंफ्यूज व्हिच विल क्रिएट प्रॉब्लम इन देयर मैरिड लाइफ। आपको ये चीज को जरूर ऑब्जर्व करना है। अगर आप नोटिस कर लिया कि D1 का जो 7th हाउस है इन सम वे दे आर एनमी टू द D1's लग्न, मान लीजिए उनका जो 7th हाउस में जो प्लैनेट प्रेजेंट है वो D1 लग्न का जो प्लैनेट प्रेजेंट है उनसे एनमी है, देन देर विल बी डेफिनेटली देर विल बी सम इश्यू इन देयर मैरिज लाइफ। ठीक है, अगर आप ये चीज नोटिस किए हैं देन उसका रिमेडी क्या है, तो आप देखिए अगर वो फीमेल का चार्ट है तो आपको उसको क्या कहना है, अगर वहां पर जो प्लैनेट है D9 का 7th हाउस में जो प्लैनेट है अगर फीमेल का चार्ट है तो आप भगवान विष्णु का वो अवतार को पूजा करने के लिए उसको एज ए रिमेडी हम बता सकते हैं। जैसे जैसे कि वहां पर अगर सन है तो हम लॉर्ड राम जी की पूजा करने के लिए बोल सकते हैं, अगर मून है तो कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए बोल सकते हैं, अगर मार्स है उधर देन वी कैन आस्क टू वर्शिप लॉर्ड नरसिम्हा, अगर मर्क्यूरी है तो भगवान बुद्ध जी की पूजा करने के लिए बोल सकते हैं, अगर जुपिटर है तो हमको क्या करना है ना
बामन अवतार, भगवान विष्णु का जो बामन अवतार है उनको पूजा करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वेनस है, शुक्र है वहां पर, देन आप ये बोल सकते हो डू वर्शिप लॉर्ड परशुराम। ठीक है, अगर वहां पर सेटन है तो भगवान विष्णु का जो कुर्म अवतार है वो कुर्म अवतार को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर राहु है देन यू आस्क टू वर्शिप लॉर्ड बराह, भगवान विष्णु का जो बराह अवतार है वो भगवान को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर केतु है देन यू आस्क हिम टू आस्क हर टू वर्शिप लॉर्ड मत्स्याय, महामत्स्याय, भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है उसको पूजा करने के लिए बोल दीजिए। और एक चीज है, इधर अगर वहां पर ये मेल का चार्ट है और वहां पर जो प्लैनेट है, अगर वो प्लैनेट दे आर एनमी टू द प्लैनेट प्रेजेंट इन डी वन, लग्न का जो प्लैनेट अगर प्रेजेंट है उनके साथ उनका एनिमिटी है, तो आप अगर मेल का चार्ट में ये ऑब्जर्व कर रहे हो देन आस्क देम टू डू द महाविद्या ऑफ द पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है, अगर सन है तो मातंगी भगवान को पूजा करने के, मातंगी का जो महाविद्या है उसको करने के लिए बोल दीजिए। अगर मून है देन भुवनेश्वरी का जो महाविद्या है वो करने के लिए बोल दीजिए, नहीं तो भुवनेश्वरी देवी को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर मार्स है देन बगलामुखी भगवान जी की पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर मर्क्यूरी वहां पर है देन मां त्रिपुरा सुंदरी को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर जुपिटर है तो मां तारा जी को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर वेनस है तो मां कमला जी को पूजा करने के लिए आप एज ए रिमेडी आप उनको बता सकते हैं। अगर सेटन है तो मां कालिका, दक्षिण कालिका को पूजा करने के लिए बोल दीजिए, दक्षिण कालिका महाविद्या करने के लिए बोल दीजिए। अगर राहु है, वहां पर राहु प्रेजेंट है तो छिन्नमस्ता, मां छिन्नमस्ता को पूजा करने के लिए बोल दीजिए, या वो ही कैन डू छिन्नमस्ता महाविद्या। अगर केतु है देन आप मां धुमावती को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। दिस इज द रिमेडी। अगर वहां पर जो प्लैनेट है एंड दे आर एनिमल और एनमी टू द प्लैनेट प्रेजेंट इन डी वन, तो आपको ये भगवान का भगवान को पूजा करने से वो वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे रेक्टिफाई होने लगेगा एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेडी फॉर वेरियस प्रॉब्लम इन देयर मेरिटेरियल लाइफ। अभी चलिए और एक टेक्निक डिस्कशन करते हैं। आप जो सेवेंथ हाउस डी नाइन लग्ना से देख रहे हैं दैट कैन ऑल्सो बी यूज फ्रॉम डी नाइन कारकमसा। कारकमसा क्या है ना, आत्मा कारक का जो डी नाइन में प्लेसमेंट है उसको हम कारकमसा बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए आत्मा कारक का पोजिशन जो डी नाइन है वहां से सेवेंथ हाउस में अगर कोई प्लानेट होगा वहां से यू कैन फाइंड अबाउट योर स्पाउस ऑल्सो। जैसे कि वहां पर अगर जुपिटर एंड मून है, अगर देख लीजिए वहां पर अगर जुपिटर होगा या मून होगा देन डेफिनेटली ही और सी विल हैव ए ब्यूटीफुल स्पाउस। अगर मान लीजिए वहां पर राहु होगा तो दैट पर्सन मे हैव रिलेशनशिप विद विडोज। अगर सेटन है कारकमसा से सेवेंथ हाउस से तो आप देखिए वो नेटिव विल हैव ए स्पाउस फॉर विच ही और सी विल नीड टू स्पेंड मोर, मे हैव इल हेल्थ। बट बीपीएचएस में ये बोला गया है ही विल हैव ए स्पाउस, अगर मेल का चार्ट में है देन ही विल गेट ए तपस्विनी स्पाउस। समझ रहे हैं? देन आप देखिए वहां पर मर्क्यूरी या वेनस अगर आ रहे हैं सेवेंथ हाउस में कारकामसा से, दे विल गिव स्किल्स, जैसे कि आर्टिस्टिक स्किल्स देंगे स्पाउस का, एंड अगर वहां पर मार्स है
देन ही विल गिव स्पाउस विथ सम प्रॉब्लम इन देयर बॉडी. वो पर्टिकुलर वर्ड है अंगहीन. ही विल मिसिंग बॉडी पार्ट. यानी कि अगर मार्स किसी का काराकामसा से सेवेंथ हाउस में है, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल हैव सम काइंड ऑफ ऑपरेशन एंड दे मे रिमूव सम पार्ट ऑफ देयर बॉडी. दैट कैन पॉसिबल. सो फ्रेंड्स, दीज आर वेरियस टेक्निक्स यू नीड टू नो सो दैट यू कैन एबल टू प्रेडिक्ट सो मेनी थिंग्स बाई यूजिंग द D9. Because it is the bhagyams, you can able to see everything in the navamansa chart. आप खाली नवमांस का सेवेंथ हाउस को यूज करके ये टाइप का प्रेडिक्शन कर सकते हो. देखिए, इन फ्यूचर आई विल ब्रिंग वीडियोज फॉर डिफरेंट हाउसेस ऑफ नवमांस. जैसे कि हम लग्ना को यूज करके बैड टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वी कैन आल्सो सी द सेवेंथ हाउस आल्सो बिकॉज इट विल स्पीक अ लॉट अबाउट आवर स्पाउस. स्पाउस के बारे में बहुत सारा चीज सेवेंथ हाउस से पता चल जाता है. आप देखिए, नवमांस का जो थर्ड हाउस है विच शोस योर स्किल्स, इट इज द नाइन्थ हाउस फ्रॉम द वाइफ शोज द फादर इन लॉ. नवमांस का जो सिक्स हाउस इट आप देखिए, थर्ड से वो फोर्थ हाउस है. सिक्स हाउस इज फोर्थ फ्रॉम द थर्ड हाउस, सो विच शोज सेपरेशन फ्रॉम योर स्पाउस, टेम्पोररी सेपरेशन फ्रॉम योर स्पाउस. अगर आप एक मेल चार्ट में देख रहे हो तो आपको वो उसको यूज करके पता चल जाएगा कि व्हेन देयर विल बी ए टेम्पोररी सेपरेशन फ्रॉम द पार्टनर्स, बीवी कब उसके जो बोलते हैं फादर की यहां जाएगी फॉर ए मे बी ए समर वेकेशन और मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. आप उसको यूज कर सकते हो. देखिए, दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड. आप देखिए, टेंथ हाउस ऑफ नवमांस शोज द मदर इन लॉ. अगर एक फीमेल की चार्ट में देख रहे हैं देन टेंथ हाउस शोज द मदर इन लॉ. मदर इन लॉ की जगह है वहां पर. अब अगर वहां पर अगर देख रहे हैं मेलिफिक्स है तो आप उनको बता सकती हो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ मदर इन लॉ. टेंथ हाउस आपका चार्ट में इट इज द लक्ष्मी स्थानम, इट इज द हाउस ऑफ यू द लक्ष्मी. फोर्थ हाउस इज द हृदय, दैट मीन्स इट इज द विष्णु स्थान. एंड सेवेंथ फ्रॉम फोर्थ सेवेंथ इज द लक्ष्मी स्थान. देखिए, आप D9 को यूज करके यू कैन एबल टू गिव सो मेनी नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस. बट आप बेसिकली D9 को एक आदमी का कैरेक्टर के बारे में समझने की कोशिश करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं. प्रेडिक्शन इज अ डिफरेंट पार्ट. यू कैन एबल टू नो द इष्ट देवता. आत्मा कारक से जैसे कि ट्वेल्थ हाउस शोज द इष्ट. सो फ्रेंड्स, ये था जो सेवेंथ हाउस D9 में है उसके ऊपर एनालिसिस. होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.